प्यारे बच्चों, YouTube के वीडियो में आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने चल रहे हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है, उसका टॉपिक है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। इसका स्टेटमेंट है कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल हो एन डिग्री का, एफ एक्स एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो एक्स में, तो इस एफ एक्स का जो एनथ फॉरवर्ड डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और चूंकि अगर nth फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो अगला डिफरेंस मींस n प्लस 1th फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। यही इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, देन nth फॉरवर्ड डिफरेंस, nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कांस्टेंट। और अगर nth फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हुआ इसका मतलब हो गया दैट इज डेल्टा की पावर n एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। और जब आप जानते हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, यानी आल्सो अगर इसका अगला डिफरेंस निकालते हैं डेल डेल्टा एन प्लस वन एफ एक्स, तो ये जीरो के बराबर आएगा। यही आपको प्रूव करना है और इसी रिजल्ट को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब इसका प्रूफ देखिए। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने मन से एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। तो कह देते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन एक्स गिवन बाय, अब एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल आपको अपने मन से लेना है तो एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं पॉलिनोमियल ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन, ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट और ए एन, जहां पर ये आपका ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको ये पता है कि हाँ एक कंडीशन होगी कि चूंकि एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहां पर जब आप कहेंगे तो आपको ये कहना तो पड़ेगा कि ए नॉट जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो इसकी डिग्री एक कम हो जाएगी एन माइनस वन, बाकी ये सब कोफिशियंट कांस्टेंट है। अब आपको इस एफ एक्स का मीन्स इस पॉलिनोमियल का एनथ ऑर्डर डिफरेंस लेना है। तो एनथ फॉरवर्ड डिफरेंस लेने के लिए पहले हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे, फिर सेकंड लेंगे और फिर कोई हमको सिमेट्रिक रूल मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग nth फॉरवर्ड डिफरेंस इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले याद करें फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपको जरूरत होती है स्टेप साइज की। तो आप अपने मन से कह देते हैं कि लेट स्मॉल h बी स्टेप साइज। तो अगर स्टेप साइज यानी आर्गुमेंट में जो डिफरेंस है अगर वो h है तो आप डेफिनेशन जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस के डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, ये फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ठीक है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये आपका एफ एक्स है और एफ एक्स है तो इसी में आपको एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, यानी कि ए नॉट x प्लस एच की पावर n प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स प्लस एच की पावर n माइनस टू और प्लस डॉट 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 ए एन। अगर इसके एक पहले टर्म हम लिखना चाहें तो ए एन माइनस वन के साथ x रहेगा,
इसके एक टर्म पहले an माइनस वन के साथ x और लास्ट वाला टर्म होगा an। तो यहां पर an माइनस वन के साथ x प्लस h और प्लस an वो तो कांस्टेंट है। अब ये तो वैल्यू हो गई fx प्लस h की, इसमें से आपको घटाना है क्या fx माने पूरा का पूरा ये टर्म, यानी a नॉट x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस वन, a2 x की पावर n माइनस टू और प्लस डॉट डॉट an माइनस वन के साथ x और प्लस an। अब इसमें सिमिलर टर्म को एक साथ ले लेते हैं, यहां पर a नॉट कॉमन ले लिया गया तो मिल गया x प्लस h की पावर n में से घटेगा x की पावर n। अगले दोनों में a1 कॉमन है, x प्लस h की पावर n माइनस वन में से x की पावर n माइनस वन। अगले दोनों में a2 कॉमन है तो x प्लस h की पावर n माइनस टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है x की पावर n माइनस टू को और प्लस डॉट 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 प्लस। देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस है, an माइनस वन आपने ले लिया कॉमन तो x प्लस h में से x आपका घट गया, x x कैंसिल भी हो गया। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, लिखा है a नॉट। अब आपको इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है x प्लस h की होल पावर n। तो इसमें पहला टर्म होता है एन सी जीरो और एक्स एन सी जीरो यानी कि वन हो जाएगा और एक्स की पावर एन अगला होगा एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन एक और एक एच, अगला होगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू के साथ एच स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट लास्ट में घटा हुआ है माइनस एक्स की पावर। पहले लास्ट जो टर्म होगा वो हो जाएगा आपका एनसीएन, एक्स की पावर खत्म हो जाएगी, एच की पावर एन बचेगा माइनस एक्स की पावर एन। ये तो पहला टर्म हो गया प्लस ए वन। इसके साथ देखें एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन है तो इसमें भी पहला टर्म होगा एन माइनस वन सी जीरो जिसका मान वन होगा यानी एक्स की पावर एन माइनस वन। अगला होगा एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू और एक एच आएगा। अगला होगा n माइनस वन सी टू एक्स की पावर n माइनस थ्री और एक एच स्क्वायर आएगा और प्लस डॉट डॉट लास्ट में n माइनस वन सी एन माइनस वन उसका मान वन हो जाएगा, x की पावर भी खत्म हो जाएगी, h की पावर हो जाएगी n माइनस वन, इसमें से घटा हुआ है माइनस x की पावर n माइनस वन। ये थर्ड टर्म अगर देखें, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, थर्ड टर्म देख लेते हैं ए टू, उसके साथ है एक्स की पावर पहला टर्म होगा एन माइनस टू, अगला होगा एन माइनस टू सी वन एक्स की पावर एन माइनस थ्री एक एच आएगा और प्लस डॉट डॉट छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में हो जाएगा एच की पावर एन माइनस टू और इसमें से आपका घटा हुआ है एक्स की पावर एन माइनस टू और प्लस डॉट 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 टोटल में आखिरी में आप देख रहे हैं बच रहा है ए एन माइनस वन के साथ ही एच। इसमें सबका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब कट जाएगा। अब यहां पे एक्स की मैक्सिमम आप पावर देखिए तो एन माइनस वन यहां है और एक्स की पावर एन माइनस वन और कहीं नहीं है, एक्स की पावर एन माइनस टू यहां पर है, यहां पर भी है लेकिन x की पावर फिर n माइनस टू और कहीं नहीं है, x की पावर n माइनस थ्री इसके बाद होगा वहां पर भी है यहां पर भी है और उसके बाद। तो पहले हम लोग देखते हैं यहां पर आपको क्या मिलता है a नॉट n c1 की वैल्यू हो गई n, x की पावर n माइनस वन और एक आपका h और प्लस। देखो एक काम करते हैं x की पावर n माइनस टू वाले टर्म को ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लेंगे तो यहां मिलेगा a नॉट के साथ एन सी टू और h स्क्वायर x की पावर n माइनस टू, वहां भी n माइनस टू है
यानी ए वन के साथ एन माइनस वन सी वन और आपका केवल और केवल ई एच एक्स की पावर एन माइनस टू, यहां पर तो एक्स पावर एन माइनस टू नहीं है, यानी और एक्स की पावर एन माइनस टू आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर नंबर आएगा एक्स की पावर एन माइनस थ्री का, तो एक्स की पावर एन माइनस थ्री का कोफिशियंट कौन कौन सा है, एक्स की पावर एन माइनस थ्री यहां पर भी होगा, यानी इसके बाद जो टर्म होगा वो हो जाएगा ए नॉट एन माइ एन सी टू बजाय हो जाएगा एन सी थ्री, और अगला हो जाएगा एच क्यू, फिर यहां पे है एन माइनस वन सी टू और एच स्क्वायर, और अगले में भी आपको मिल रहा है प्लस एन माइनस, अच्छा ए वन से ए टू से मल्टीप्लाई भी है, प्लस ए टू एन माइनस टू सी वन, ये देखिए और एच, और इसके बाद आपको एक्स की पावर एन माइनस थ्री का टर्म और नहीं मिलेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बारी आती है कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म अगर आप देखें तो यहां पर ए नॉट एच की पावर एन, ये वाला टर्म कांस्टेंट है। उसके बाद अगले में देखें तो ए वन एच की पावर एन माइनस वन कांस्टेंट है, ये रहा। अगले में देखें तो ए टू एच की पावर एन माइनस टू कांस्टेंट है, और प्लस डॉट डॉट लास्ट में अगर देखें तो ए एन माइनस वन के साथ एच कांस्टेंट है। तो इस तरह आपको जो है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इसका मिला, जो कि काफी देखने में जटिल लग रहा है, लेकिन अभी देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिख देते हैं। तो यहां पे इसका कोफिशियंट तो ऐसे रख रहे हैं, ए नॉट एन एच और एक्स की पावर एन माइनस वन बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यहां पे ये चूंकि सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं इसलिए हमने इसका नाम रख दिया बी वन एक्स की पावर एन माइनस टू, अगले का नाम रख दिया बी टू कांस्टेंट एक्स की पावर एन माइनस थ्री, और ऐसे ही लास्ट में जो है उसका नाम हमने रख दिया बी एन माइनस वन इस कांस्टेंट का। तो ध्यान देखिए इस समय ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आप ध्यान से देखें तो एन माइनस वन है, क्योंकि ए नॉट जीरो नहीं है शुरू में, ये स्टेप साइज जीरो हो नहीं सकता, ये नेचुरल नंबर जीरो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो किसी भी पॉलिनोमियल अगर एन डिग्री का है तो वो फिर से एक पॉलिनोमियल हुआ डिग्री एन माइनस वन। तो आप यहां पर ये निकाल लेते आप डेल्टा एफ एक्स, तो लिखेंगे फिच इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन इन एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ए पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस वन। तो आपने देखा कि जो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस होता है अगर डिग्री एन है तो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस एन माइनस वन डिग्री का होता है, माने एक डिग्री उसकी कम हो जाती है। अब हम इसका जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो सिमिलरली लिख ले जाएंगे, थर्ड लिख ले जाएंगे, और इसी तरह इसका nth फॉरवर्ड डिफरेंस भी लिख ले जाएंगे। तो केवल आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इस तरह निकालना होता है, बाकी और सबको सिमिलरली। इस समय यहां पे जो हमने कांस्टेंट माने हैं बी वन बी टू बी एन माइनस वन, ये सब कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट हैं। तो अब हम यहां पर जब बोलेंगे सिमिलरली, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर एफएक्स क्या अंतर आएगा, ए नॉट कहीं नहीं जाएगा, एन ऐसे रहेगा, एच भी ऐसे रहेगा। यहां पर जब एक्स की पावर एन था तो एक एन आ गया है, अब एन माइनस वन है तो एक एन माइनस वन आ गया है, एक एच आएगा तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी पावर एक और कम हो जाएगी एन माइनस टू। यहां पर फिर से वैसे ही नए नए कांस्टेंट्स आएंगे तो उसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, सी वन नाम रख दिया, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी एन माइनस थ्री, सी टू एक्स की पावर एन माइनस फोर, और प्लस डॉट डॉट सी एन माइनस टू, एक एक टर्म कम होता चला जाएगा इस वजह से।
अब इसी बात को अगर हम n बार करते चले जाएं, पहले हमने दो बार किया, तो अगर हम कहते हैं कि टेकिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस अप टू n टाइम्स, आप देख रहे हैं कि जब सेकंड हमने लिया तो डिग्री एक और कम हो गई, माने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो n माइनस टू डिग्री का पॉलीनोमियल, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस n माइनस वन का। तो अब n बार अगर ऐसे लेते चले गए तो डेल्टा की पावर n एफ एक्स क्या होगा, a नॉट तो ऐसे रहेगा, h की पावर n हो जाएगा, n उसके बाद n माइनस वन, अगली बार में n माइनस टू, और डॉट 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 n माइनस n माइनस वन यानी कि वन, n माइनस टू यानी कि टू, n माइनस वन माइनस थ्री यानी कि थ्री, और x की पावर देखो दो बार लेने पर दो घटा, एक बार लेने पर एक घटा, n बार लेने पर n में से n घट जाएगा यानी घट जाएगा, और ये सब तो पहले ही जीरो हो जाएंगे, यानी आपके पास x की पावर n माइनस n यानी इसका मान एक हो गया। इस समय देखा जाए तो a नॉट ये है n फैक्टोरियल और ये है h की पावर n, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, माने कि कांस्टेंट, और आपको यही साबित करना था कि nth डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस किसी पॉलीनोमियल का अगर n डिग्री का है तो कांस्टेंट होता है। अब आप बताएं अगर ये कांस्टेंट है तो डेल n प्लस वन एफ एक्स, अगर n प्लस वनवा डिफरेंस निकालेंगे तो कांस्टेंट का कितना आएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए एफ एक्स प्लस एच पर भी वैल्यू कांस्टेंट और एफ एक्स पर भी कांस्टेंट इसलिए वैल्यू जीरो। तो यही थी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, यही थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के और टॉपिक का को स्टडी करेंगे। थैंक यू।